हेलो एवरीवन फिर से एक उड़ते पक्षी ने बताया है कि सारे एस्ट्रोलॉजर फ्रॉड हैं तो पहले हमारी गलतियां कितनी हैं एस्ट्रोलॉजर फ्रॉड क्यों बने और मैं अभी वार्ता से जुड़ी हूं तो सारे एस्ट्रोलॉजर हैं वहां पर शायद तीन हज़ार या पांच हज़ार और इतनी एप्लीकेशन है आजकल तो ऐड आ रही है एस्ट्रोलॉक की तो एस्ट्रोलॉजी से जो है वो तो शुरू से ही है आज अगर एस्ट्रो टॉक आया तब लोगों के काम होने शुरू हुए हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड एस्ट्रो टॉक पर गए हैं तब वापस आया है मेरे को मतलब मुझे बड़ा सरप्राइज इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी ने आकर वहाँ पर बोला बहुत सरप्राइज लगा मुझे कहाँ आपका जन्म कब का इवेंट हुआ पड़ा है और आज आप कह रहे हो कि मुझे किसी ज्योतिषी ने ये बात बताई आपका विश्वास ही नहीं है आपको पैसा मिल रहा है और आप उसकी ऐड कर रहे हैं ये बात आप लोगों को नहीं दिखती कोई भी आपके दुख के लिए नहीं बैठा हुआ यह आप हमेशा याद रखिए कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपके दुख के लिए नहीं है आपके दुख में इन्वॉल्व होने के लिए नहीं है फीस लेगा प्रोडक्ट बेचेगा जाइए और सबने यही किया है आज तक अगर कोई यह कहता है कि नहीं उस एस्ट्रोलॉजर ने मेरी किस्मत बदल दी है मैं उस बाबा से जुड़ा हूं इसलिए मेरी किस्मत बदल दी है तो यह आपका विश्वास है आपका प्लेनेट ऐसा है वो तो मैसेंजर का काम कर रहा है तो फ्रॉड आप लोग करवाने वाले हो आपने फोर्स किया एस्ट्रोलॉजर को कि हर जगह एक ही बात सुनने में आई निशुल्क अब दो तरीके से पैसा निकाला जा सकता था या तो वो कमर्शियल बन जाता या वो डरा देता तो वो दोनों ही बना उसने डरा के पैसा निकाला है और कमर्शियल बन के पैसा निकाला है वो तो काल दोष है पूजा कराइए सत्तर हजार की आप मांगलिक हो आपका डाइवोर्स है पूजा कराइए एक लाख की आपके पति की किडनी अगर खराब है पता ही भाई किडनी खराब है इलेवेंथ हाउस चेक नहीं करेगा आप पूजा कराइए महामृत्युंजय की तो गलत कौन हुआ एस्ट्रोलॉजर या आप आप लोग जिन्होंने कभी सच सुनना ही नहीं चाह कान ही नहीं थे हमारे हम वो सुनने आए थे जो हम सुनना चाहते थे ये मैं रात की ही आपको बात बता रही हूं कि कोई आया और बोला पैसा देखिए क्योंकि वो कलकत्ता से था ना तो उसको तमीज़ बोलने की कि एक वुमेन से कैसे बोलने एक एस्ट्रोलॉजर है वो उससे बात कैसे करनी है हमारा बीवी कमाता है दो लाख रुपया आप पैसा देखिए शुक्र की महादशा सिंह लगन और अच्छे थे उसके ट्वेंटी सेवन ईयर पैसे के लिए अभी शुक्र की मादाशाह उसका तीन साल ही हुए थे और शुक्र में चंद्रमा का नक्षत्र था ट्वेल्थ गए वो एट हाउस में लैक ऑफ मनी का कॉम्बिनेशन बना है आप सोचिए कि ये लोग कैसे हैं कि जिसकी दो लाख रुपए महीने की कमाई है वो आके पूछ रहा है कि मेरा बीवी का पैसा कैसा है आपको नहीं पता आपको ऐसी क्या जरूरत पड़गी कि एक एस्ट्रोलॉजर से वो उस पर ठप्पा लगवाने की कि हाँ आपकी बीवी दो लाख ही कमाती है हमेशा एस्ट्रोलॉजर गलत नहीं होते आप सोचिए आप लोग कितने गलत हो हमेशा सपनों की दुनिया में जीना और अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करना हमेशा ये ढूंढना कि कहीं मूर्तियों में मिल जाएगा कहीं पूजा में मिल जाएगा कहीं जेल स्टोन में मिल जाएगा इन चीजों से किस्मत बदल जाएगी 2400 घंटे चीजें एक्टिव रहती हैं प्लेनेट 2400 घंटे चलते हैं जोडी बेट 2400 घंटे घूमती है आपका विवेक कहाँ है आपकी बुद्धि कहां है डिसीजन कहाँ है आपके अगर आप बुरा करते हो तो भी गाली आप एस्ट्रोलॉजर को करते हो अच्छा होता है तो क्या आप उसको मेडल देने जाते हो अगर वो बुरे से रोक रहा है आप उसकी रिप्लेसमेंट ही कर देते हो छोड़ पर इसको किसी और के पास जाते हैं वो पांच छह जेम स्टोन बताते हैं तीन चार लाख के उसमें मैं खुश हो गया पता चला चार लाख पर भी इंटरेस्ट चढ़ रहा लेकिन मैं सुनना नहीं चाहता अब बताइए फ्रॉड कहां हो रहा है और किसने मजबूर किया है फ्रॉड करने के लिए ये दोनों क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना और जो भी ये लोग वीडियो बनाते हैं एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड नहीं एस्ट्रोलॉजर फ्रॉड है तो उनको बनाने के लिए आप लोगों ने मजबूर किया है इंटरव्यू लूंग में किसी को पास नहीं कर सकती इसलिए मैंने आज तक किसी से एनालाइज नहीं करवाया मेरे अंदर कोई क्वेश्चन कुछ, ही नहीं क्वेश्चन हो तो किसी को बोलूं मेरी कुंडली देख ले यहाँ जितने एस्ट्रोलॉजर है वार्ता पर सारे मेरे से कुंडली एनालाइज करवाने के लिए आ जाते हैं कभी नाम बदल कर कभी कैसे कभी कैसे और कितनी मुझे गालियाँ क्यों ना पड़ जाएं गालियों की बोछार क्यों ना जाए लेकिन मैंने कभी किसी के लिए भी प्रोडिक्शन का पैटर्न नहीं बदला एस्ट्रोलॉजी या मैं खुद पैसा नहीं कमाना चाहती सब पैसा कमाना चाहती ये डिग्रियाँ मैंने देखने लिए देखने के लिए नहीं लगाई हुई तो जब मुझे पता लगे लेकिन मेरी दो कंडीशन होती है मैं झूठ नहीं बोल सकती और मैं प्रोडक्ट नहीं बेच सकती और मैं दोबारा एनालाइज भी नहीं कर सकती और ये सारी कंडीशन जो मुझसे अपना चार्ट दिखाता ना उसको पहले से पता होती है तो बहुत मतलब ये फैली हुई बात है मैडम बहुत टॉक्सिक वर्ड यूज़ करती हैं पहले आप अपनी कमी देखिए आप क्या सुनने आए अच्छा सुनने आए हैं आपकी लाइफ नहीं आपको बता रही आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आप वो यथार्थ सुनने आए हैं उसका क्या हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं बदल तो नहीं सकते मैंने कम होते हुए भी नहीं देखा मैं सच बोलूं तो कई लोग कहते हैं गरीब ही विश्वास नहीं करती बहुत रेयर जाके रेमेडी कराती हूँ अगर गोचर में ऐसा कोई प्लेनेट आ गया तो अदरवाइज नहीं तो पहले अपनी कमियाँ ढूंढिए तब आप किसी के अंदर जाके कमी निकालिए पूरे हैं हमारा ही नजरिया बाद में बदल जाता है पहले हम विश्वास करते हैं बाद में नहीं करते तो कहीं ना कहीं हम गलत हैं एस्ट्रोलॉजी युगों से चल रही है और वो युगों से सत्य है एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है उसको फ्रॉड बनाने वाले आप हैं तो ऐसे ही आप लोग सच सुनिए फ्रॉड से आप लोग दूर रहिए क्योंकि फ्रॉड हर जगह देखिए टैग लाइन में लिखा होता है आप कभी बस पर चढ़िए तंत्र विद्या से दो मिनट में प्यार पाइए, काले जादू से आप अपना प्यार खोया हुआ प्यार पाइए वशीकरण से आप अपना प्यार पाइए तो मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए जब गई तो एक बस में ये पूरा लगा हुआ था तो मैं हैरान तो मेरे पास किसी का फोन आया कि मैडम वशीकरण कर दो मैं क्या अगर मुझे वशीकरण करना होगा ना तो मैं भगवान का करूंगी और उनको वश में करके अपनी कुंडली चेंज करवा लूंगी मैं बंदों का वशीकरण क्यों करूंगी आप बताइए अपने स्वार्थ के लिए जो ये झूठ बोलते हैं कर्म का फल नहीं मिलता और ये भी नहीं है कि अभी नहीं मिलेगा हमेशा मिलता है बस किसी को देर मिलता है किसी को शेर और उसको लालच देने वाला सबसे बड़ा पापी है उससे सच छुपाने वाला ब्रह्म हत्या का दोषी है जो इस तरह का पूरा कमर्शियल तरीके से कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी और बच्चों से झूठ बोल बोल कर देखिए बच्चे क्या है उनको तो वो चांद चाहिए चाहिए प्यार चाहिए चाहिए प्यार क्या होता है लस्ट है मैं तो कॉम्बिनेशन देख के समझ आती हूँ क्या है अब वो बदल देगा ना मुझे वो रिप्लेस कर देगा मुझे उसको डायवोर्स नहीं सुनना उसको सुख नहीं सुनना उसको तो वो चाहिए वो चाहता है वो चाहे कबर ही क्यों ना उसको उस कबर से शादी करनी है उसके अंदर जो पड़ा हुआ है बंदा उससे शादी करनी है क्योंकि ये बच्चे की जिद है छोड़ दीजिए काल और वक्त पर छोड़ दीजिए काल और वक्त से बड़ा सत्य कोई नहीं है आएगा अपने आप प्रूव हो जाएगा आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है तो इसी तरह आप सच सुनिए सच से जुड़े मेरे चैनल से जुड़े डॉक्टर किरण पावा मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बहुत डेस्परेट हो रही डस्पिरेटोरियम मैं आप लोगों से कि चार साल हो गए मैंने कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं देखी मुझे नहीं पता गूगल का प्रोसेस क्या है और कैसे कैसे किसी को अट्रैक्ट किया जाता है मेरा वे वही रहा है कभी आप देखिए मैं आते ही कभी नहीं बोलती अगर अभी तक आपने चैनल को यहाँ बेल लगा दी या सब्सक्राइब कुछ नहीं ऐसी हूँ मैं क्योंकि मेरा कंटेंट पर फोकस है कि मैसेज मेरा क्या होना चाहिए वो लोगों तक पहुंचना चाहिए लोग मुझे नोटिस करें इसकी जरूरत नहीं है लेकिन आप लोग सच तो सुनिए मत करिए सब्सक्राइब सुनियो तो सही ये लड़ाई किसके लिए लड़ रही हूँ मैं क्योंकि और दो चार साल में मेरा शरीर तो चला जाएगा और ये सच किताबों में बंद है क्योंकि आप डिजर्व करते हैं पनिशमेंट को क्योंकि आपने शास्त्र पढ़े नहीं है चाह कर भी वही होगा जो लिखा हुआ है मैंने कर्म की कभी कोई काट देखी नहीं इसलिए रेमेडी पे भी विश्वास नहीं आया तो एटलीस्ट आप लोग सुनिए अगली बार मिलते एक और सच के साथ बाय